बारिश की भेंट चढ़ी अमित शाह की रैली, नहीं पहुंचे अमित शाह। मुख्यमंत्री और ओपी धनखड़ ने संभाली रैली मंच की कमान। मुख्यमंत्री ने कहा, सुशासन का संकल्प बनाया है। कांग्रेस में चलती थी भ्रष्टाचार की फैक्ट्री, 14 फसलें एमएसपी पर खरीदी गई, भ्रष्टाचार के पंख काट दिए, भ्रष्टाचारी लोग ही बेकार हुए हैं, हर वर्ग को लाभ पहुंचाया, अच्छा वातावरण खड़ा करना है। पंडित लक्ष्मी चंद के नाम से सुपवा नाम रखा, संत महात्माओं के नाम से हरियाणा में शिक्षण यूनिवर्सिटीज बनाई गई है। महापुरुष को याद करने से जीवन सुखी होगा। परिवहन पहचान पत्र की व्यवस्था में गरीब लोगों के आयुष्मान योजना को बढ़ाया है। भावांतर भरपाई योजना लागू की है। प्रदेश एकता के सूत्र में बंधा रहे, सब मिलकर काम करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री द्वारा करवाया गया मोबाइल से जनता के बीच जनसंवाद। मोबाइल पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, खराब मौसम के चलते नहीं पहुंच पाया, हेलीकॉप्टर की उड़ान भरने से किया गया था मना। गोहना में रैली का मकसद 2024 के चुनाव में सभी सीटों पर कमल खिलाना है। हरियाणा सरकार के 8 साल के कार्यकाल में भ्रष्टाचार हर क्षेत्र में कम हुआ, अमित शाह। जातिवाद समाप्त हुआ है, पढ़े लिखे सरपंच हरियाणा को आगे बढ़ा रहे हैं। बारिश के चलते आज गोहना नहीं आ पाया हूँ, नजदीक के भविष्य में जल्द ही गोहना में आकर मुलाकात करूंगा, अमित शाह। हरियाणा की प्रत्येक सीट पर कमल का फूल खिलेगा, ऐसा उन्होंने विश्वास जताया है। सोनीपत से आदेश त्यागी की रिपोर्ट। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।